दर्पण एंटरटेनमेंट। अनुमान लगाइए कितने प्रतिशत भारतीय। नमस्कार, आपने लॉग इन किया है दिल्ली दर्पण टीवी और मैं हूं आपके साथ अंशुल त्यागी। बिग बॉस के बाद अब सलमान खान अपने पॉपुलर टीवी शो 10 का दम के साथ छोटे पर्दे पर फिर से वापसी करने जा रहे हैं। सोनी चैनल ने फेसबुक पर शो का दूसरा टीजर भी जारी कर दिया है, जिसमें सलमान अपने फैंस से कह रहे हैं, आ रहा हूं। टीवी पर सलमान के इस कमबैक को लेकर पहले कई अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन तभी इस शो के सलमान द्वारा कई प्रोमो शूट की खबरें आईं, जिससे साफ हो गया कि भाईजान एक बार फिर से टीवी पर धमाल मचाने के लिए तैयार हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर सलमान खान इस शो के लिए कितनी फीस ले रहे हैं। दरअसल खबरों के मुताबिक इस शो के लिए सलमान करीब 78 करोड़ रुपए ले रहे हैं। हालांकि एक निजी वेबसाइट से बातचीत के दौरान चैनल के बिजनेस हेड दानिश खान से जब सलमान की फीस के बारे में पूछा गया, तो उनके गोलमोल जवाब के बाद ये श्योरिटी नहीं हो पाई कि सलमान वाकई 78 करोड़ रुपए ले रहे हैं। सलमान के शो में भाग लेने के लिए निर्माता एक ऐप लॉन्च करेंगे। उस ऐप को डाउनलोड कर एक फॉर्म में अपनी बेसिक डिटेल्स भरनी होंगी। इस दौरान आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे, जिनके जवाब आपको देने होंगे। ये जवाब हाँ या ना में होंगे। पार्टिसिपेंट्स को 40 लेवल पार करने होंगे। हर लेवल में 20 सवाल पूछे जाएंगे। प्रत्येक लेवल पार करने के बाद प्लेयर को एक गिफ्ट भी दिया जाएगा। इस दौरान जिस प्लेयर ने सबसे ज्यादा स्कोर किया होगा, उसे ऑडिशन के लिए बुलाया जाएगा और फिर ऑडिशन क्लियर करने के बाद उसे शो में सलमान खान के साथ 10 का दम खेलने का मौका मिलेगा। इस ऐप को कैसे यूज कर सकते हैं, इसके बारे में हम आपको अपनी अगली खबर में बताएंगे। तो सलमान खान के साथ 10 का दम खेलने के लिए तैयार हो जाएं और दिल्ली दर्पण टीवी को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जल्द ही हम आपको सल्लू भाई से मिलने के तरीके को आपके पास तक लेकर आएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो पर कमेंट कर अपनी राय हमें बताएं। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर